रुक जा, मैंने कहा रुक जा। मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आओ। साक्षी, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो, जो भी, लेकिन प्लीज मुझे मेरा मेरी तरफ मत आना। उसका हाथ छोड़ दो, मेरे बेटे तनु को जाने दो। मार दूंगी। साक्षी, दरवाजा खोलो। साक्षी, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए बस। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, इस तनु को मुझे दे दो। दरवाजा खोलो प्लीज। हेलो, एसीपी राठौर, इमरजेंसी टास्क फोर्स, हमारे पास एक कॉल आई थी और दूसरी तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो हम चेक करने आ गए, लेकिन साहब, साक्षी ने मेरी बीवी को मार डाला। और मेरा बेटा तनु, उसे भी बंदी बना के रखा है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, आइए। वो लोग यहां पर इस सेफ कमरे के अंदर है। सेफ कमरा मतलब? मैंने ये कमरा इसलिए बनाया था कि कभी चोर या डाकू अंदर घुस आए तो हम अपने आप को बचा कर रख सके। वो क्या है कि हम डायमंड मौज है, तो हमारे में चोरी का खतरा तो हमेशा बना ही रहता। जिस तरीके से वो लोग अंदर गए, उन्होंने दरवाजा खोला होगा, हम उसे दोबारा नहीं खोल सकते। एक बार अगर ये कमरा अंदर से बंद हो गया तो वो फिर अंदर के कंट्रोल सिस्टम से ही खोला जा सकता है, तभी तो हम अपने आप को बाहर के हमले से बचा पाते। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मैंने ये कमरा हमारे परिवार को बचाने के लिए बनाया था और अब इसी की वजह से मैं उन्हें बचा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए ना। मैंने इस तरह के कमरों के बारे में सुना है, हवाई जहाज और एम्बेसीज में होते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा चीज, लेकिन इसके अंदर पुलिस से संपर्क करने के लिए कुछ ना कुछ जरिया तो जरूर होगा, जैसे रेडियो ट्रांसीवर, समथिंग लाइक दैट। हाँ, लेकिन साक्षी पुलिस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों करेगी? क्रिमिनल तो यही है ना। लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे हम उनसे बात कर सकें। देखिए, ना ही हम उसको, ना ही वो हमको सुन सकती है, लेकिन हाँ, हम उसे देख सकते हैं जैसे वो हमें देख सकती है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस घर में सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलते रहते हैं। देखिए, जिस तरह हम उसे देख सकते हैं, उसी तरह वो भी हमें देख सकते हैं इस कैमरे से। देखिए कैसे बंदी बनाकर रखा उसने मेरे बेटे को। क्यों, तुम इसे कैसे जानते हो? ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ,
उसकी बेटी अश्मी मेरे बेटे के क्लास में पढ़ती, और शायद मेरी बीवी उसे स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में मिली होगी। लेकिन ये जो कर रही है ना, वो सिर्फ पागल पत्ती है, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता उसके पीछे। बॉडी एग्जामिन कर लिया, मौत की वजह छुरी से किया गया घाव है, और बाकी टेस्ट के लिए बॉडी को लैब ले जाना पड़ेगा। ले जाओ। यस सर। किसी अनजान आदमी के घर एक औरत आती, उसकी बीवी को मार के उसके बच्चे को बंदी बना लेती। ये सब करने के लिए उसके पास एक बहुत ही बड़ा मकसद होना चाहिए। कुछ छूट रहा है। अगर साक्षी का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो शायद मकसद मिल जाए। फिलहाल मकसद पता करने से ज्यादा जरूरी इस बच्चे की जान बचाना है। हमें जो कुछ भी करना होगा साक्षी की नजरों से बच के करना होगा। सर, घर के हर कोने पे उसकी नजर है, तो हम ऐसा कैसे करेंगे? अगर सारे सीसीटीवी कैमरास को ढक दे तो वो हमें देख नहीं पाएगी। नो, अगर ऐसा करेंगे तो घबराहट में आके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती। अगर हरीश की बात सच है और सौरभ का दिमागी संतुलन सही में खराब है, तो मैं अगला कदम बहुत सोच समझ के चलना होगा। एक आइडिया है, हम लोग कैमरा को लूप में डाल सकते हैं। लूप में? हाँ, उससे कैमरा की गई रिकॉर्डिंग हम लोग उसे बार बार दिखा सकते हैं। उसे ये लगेगा कि हम लोग वहीं पे रुके कुछ काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग कुछ और कर रहे होंगे। हाँ श्री, ये ठीक रहेगा। तुम कैमरा को लूप में डाल दो। हरीश, मुझे इस पूरे घर का एक प्लान चाहिए। छोटू, उस सेफ रूम को खोलने के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए सबको अरेंज करो जल्दी। रुको छोटू, याद हमें दरवाजा तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। ये औरत खुद खुद बाहर आ जाए। श्री, तुम लूप के लिए तैयार रहो, लेकिन करना मेरे इशारे के बाद। राइट सर, लेकिन उसके लिए मुझे एक कवर की जरूरत होगी। छोटू, तुम मेरे साथ आओ। सीसीटीवी के कंट्रोल्स का है किचन में। ओके, साथ और आयशा और हरीश, आप लोग मेरे साथ मेन बेडरूम में चलेंगे। रास्ता कहाँ है? एक मिनट, ये कहाँ कहाँ जाता है? ये एसी वेंट, ये सारे कमरे में है, सेफ रूम में भी। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने भी यही सोचा था कि मैं इसके अंदर से घुसकर वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये नामुमकिन है। ये जो एसी वेंट है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने इसमें घुसने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा अलार्म बजेगा, और फिर एक मिनट के अंदर इसमें लेजर भी एक्टिवेट हो जाएगा, और अंदर जो भी हो वो शॉक से मर जाएगा। मतलब इस वेंट के अंदर घुसने के बाद इंसान सिर्फ एक ही मिनट के लिए जिंदा रह सकता है बस। जी, बेडरूम ऊपर चलिए। मैं ना यहाँ पे तारों के साथ छेड़छाड़ करूंगा, ठीक है? और तुम मुझे कैमरा के नजरों से बचाना। लेकिन श्री, कैमरा है कहाँ? कमरे के नॉर्थ ईस्ट जोन पे है। छोटू, इसे मत देखना, नॉर्मल बात करना, नेचुरल लगना चाहिए, समझ रहे? लेकिन मैं इस तरह कैजुअल कैसे लगूंगा? छोटू, जैसे हम लोग हमेशा बात करते रहते ना, वैसे बात करते रहना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता, आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? छोटू, उसे ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, बकवास बंद कर। इन सब का क्या तू कह रहा होते? हम यहाँ पे क्या करने आए? एक बार श्री कैमरा उसको लूप कर दे, उसके बाद साक्षी को वही दिखेगा जो हम दिखाएंगे। तो जब उसे ये दिखेगा कि हम सब बाहर जाने के रास्ते से बहुत दूर, तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी और पकड़ी जाएगी, क्योंकि बाहर निकलने के रास्ते पे हम तैनात रहेंगे। श्री, कैमरास को लूप कर दो, हम तैयार हैं। ओके सर। टोटू, कवर करना।
मिल गई वायरिंग। जल्दी करना, पेट फट जाएगा मेरा यार। जल्दी कर ही रहा हूं ना, बस 32 बार चबा। हो गया, चलो अभी आराम करते। सर, जैसे मैं रिमोट का बटन दबाऊंगा सारे कैमरास लूप पे चले जाएंगे और हम सभी को 12 सेकंड के लिए नेचुरल दिखना चाहिए क्योंकि साक्षी वही दिखती रहेगी। गो फॉर इट श्री, जो 12 सेकंड तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। बैठ जाओ हरीश। हो गया सर, घर के अंदर के सारे कैमरास अभी वही दिखाते रहेंगे जो हमने उन 12 सेकंड में रिकॉर्ड किए। अब हम आराम से काम कर सकते हैं। ओके श्री। दरवाजा खुलने वाली है। उसने दरवाजा खोल दिया। We'll be right back.
साक्षी, दरवाजा खोलो साक्षी, तनु को मेरे पास आने दो साक्षी। साक्षी ने सेफ रूम के सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए, अब हम उन्हें नहीं देख सकते। अब क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? मेरा बेटा उस पागल औरत के साथ उस कमरे में बंद है। वो मेरी बीवी को पहले ही मार चुकी है और अब हमें ये भी नहीं पता कि वो मेरे बेटे के साथ क्या कर रही होगी। शांत हो जाइए आप, कमरे के अंदर घुसने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। नहीं है, गॉड डैम इट, मैंने वो कमरा बना ही ऐसा था कि उसकी छत, दीवारें, जमीन, दरवाजा सब ऐसे स्टील का हो जिसे काटा भी ना जा सके। अरे उसे बॉम्ब से उड़ाना या उसमें छेद करने तक का कोई तरीका नहीं है। कमरा स्टील का है लेकिन उस दरवाजे पे जो लॉक है वो तो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या हम उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, हूं ना मैं। श्री, ये तू कर क्या रहा है? अरे छोटू, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू रहने ना यार। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? अरे नहीं बाबा, सुन, पहले मैं वो टर्मिनल को ढूंढूंगा जो कमांड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर टारगेट को टेस्ट करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखूंगा, फिर वहां पे एक पोर्ट है जिसे मैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से क्रैक करूंगा और सिक्योरिटी सर्विस को हैक कर लूंगा। ये बात तुम समझे या समझाओ? समझ गया समझ गया, तो जो कुछ भी करेगा ना ठीक ही करेगा, कर कर। टीम, मैं अभी कोशिश करने वाला हूं, आप सब तैयार रहिए। कैसी आवाज है? पता नहीं यार, मैं तो सेफ रूम का दरवाजा खोलने गया था, कुछ और हो गया। ये चोर के घुसने का नाम है। जल्दी मुझे लगा तो कुछ बड़ा करेगा तूने तो। अब चल ना। क्या हुआ था श्री? तो वायरिंग करने वाले ने बहुत अच्छा काम किया है, लॉकिंग सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है। देख लिया आप लोगों ने ये भी करके? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि नामुमकिन है।
साक्षी का बैकग्राउंड चेक करना ही होगा। अरे लेकिन उससे क्या होगा, वो तो अभी तक मेरे बेटे के साथ वो कमरे के अंदर बंद है ना। सही जानकारी कई तालों की चाबी होती है हरीश। लौटे मैं तुम और आयशा उस स्कूल में जाते हैं जहाँ पे तनु और साक्षी की बेटी असली पढ़ती है। प्रियो छोटू तुम दोनों ही रुके नजर रखो। अच्छा स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।